मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। उत्तराखंड पुलिस ने जंगल में जानबूझकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 6 अज्ञात हैं। वन विभाग ने 351 मुकदमे दर्ज किए जिसमें 290 अज्ञात जबकि 61 नामजद मुकदमे हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के मुताबिक वन पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, कुछ लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि रील बनाने के लिए जंगल में आग लगा दी। ऐसे एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा, सरकार उन गाँव को पुरस्कृत करेगी जहाँ ग्रामीणों ने अपने गाँव को जंगल की आग से बचाने का काम किया है। वन अग्नि प्रबंधक समिति के तहत भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ इस वक्त दहक रहे हैं। अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। जैसे ही एक तरफ की आग बुझाई जाती है तो दूसरे तरफ के पहाड़ दहक जाते हैं। प्रदेश में जंगल की आग बेकाबू हो गई है। गढ़वाल से कुमाऊं तक सोमवार को 20 जगह जंगल धधके जिससे 52 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जल गया। गढ़वाल में सबसे अधिक 10 और कुमाऊं में 9 घटनाएं हुई हैं। जंगलों की आग की राज्य में अब तक 930 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 1196 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुका है। सबसे अधिक 491 घटनाएं कुमाऊं और 365 घटनाएं गढ़वाल में हुई जबकि 74 मामले वन्य जीव क्षेत्र के हैं। बेकाबू हो चुकी आग से अब तक 5 लोगों की मौत और 4 लोग झुलस चुके हैं। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक संवेदनशील जिलों में जरूरत पड़ने पर पुलिस, पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों की भी मदद ली जाएगी। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।